नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज देर शाम बिहार पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। मिथिला यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब नहीं होगा सीटों का अभाव। आदेश के बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिली सैलरी। जहरीली शराब के मामले में सीएम नीतीश आए एक्शन में। आज भक्तिभाव के साथ मना भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। मिथिला यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब नहीं होगा सीटों का अभाव। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत 41 कॉलेजों में अब विद्यार्थियों को सीटों की कमी को लेकर कोई शिकायत नहीं रहेगी। इन सभी 41 कॉलेजों में स्नातक के लिए करीब 10,000 से ज्यादा सीटों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत स्नातक सिलेबस के इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गणित समेत 2 दर्जन से ज्यादा विषयों में 10,200 सीटों को अतिरिक्त जोड़ा गया है। इसे लेकर काफी दिनों से विद्यार्थी मांग कर रहे थे। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के अधीन 41 कॉलेजों में अतिरिक्त 10,200 सीटों की मंजूरी दी है। इसमें दरभंगा के 14 कॉलेज, मधुबनी के 13, समस्तीपुर के 12 समेत बेगूसराय के कॉलेजों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में ये सीटें जोड़ी गई है। आज भक्तिभाव के साथ मना भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार। बिहार में आज भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार भैया दूज भक्तिभाव और खुशियों के साथ मनाया गया। आज के दिन राखी के त्योहार की तरह ही बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के साथ उसकी तरक्की की भी कामना करती है। कई बहनें इस दिन आज व्रत भी रखती है। आज के दिन ही शाम में यमराज के नाम से चौमुख दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि दीपक दक्षिण मुख जलाने से भाई के प्राण की रक्षा होती है। भैया दूज के दिन ही कलमजीवी भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे भी आज कई क्षेत्रों में मनाया गया। वहीं उस खास मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी है। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा धान की खरीद शुरू है। इसके तहत 1 नवंबर से कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में धान की अधिप्राप्ति शुरू की गई, जबकि 10 नवंबर से तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल में धान की खरीदारी की जाएगी, जिसके बाद 15 नवंबर से बाकी के जिलों में धान अधिप्राप्ति शुरू होगी। इसे लेकर बीते दिन धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक का आयोजन संकल्प में हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक की जानकारी ली। इस बार धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। तो वहीं बैठक में सीएम ने कहा कि धान की खरीदारी की खबर किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी कराया जाए, साथ ही अधिप्राप्ति का काम तेजी के साथ की जाए। बिहार में 2 जिलों से मिले 5 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 4 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा जिले से 2 मरीज मिले हैं, जबकि पटना जिले से 3 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। तो वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। पटना में डेंगू से बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी। बिहार की राजधानी पटना में बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी डेंगू फैल गया है। जिले में बुधवार तक मिले कुल 187 डेंगू के मरीजों में 45 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच बताई गई है। डॉक्टरों के अनुसार विगत 15 दिनों में डेंगू के मामले बढ़े हैं। जिला मलेरिया अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कंकड़बाग के कुम्हरार, भूतनाथ रोड, काटी फैक्ट्री रोड, अशोकनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, मुन्ना चौक, बहादुरपुर आदि इलाकों में डेंगू के मरीज ज्यादा पाए गए हैं। सबसे अधिक 23 डेंगू मरीज कंकड़बाग में मिले हैं। बाकी पूरे अंचल में करीब 18 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं कई अन्य जिलों से भी डेंगू के मरीज पटना के अस्पतालों में भर्ती हैं। आदेश के बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिली सैलरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रारंभिक शिक्षकों की दशहरा और दिवाली दोनों ही बगैर वेतन कट गई और अब छठ पूजा सर पर है, जिसे लेकर शिक्षकों का रोष बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि विभाग के द्वारा दिवाली से पहले 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश जारी किए गए थे, बावजूद इसके अब तक सैलरी नहीं मिली। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से पुष्टि की गई है। बताते चले कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार में करीब 2,67,000 प्रारंभिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें दशहरा से पहले ही वेतन नहीं मिले हैं। तो वहीं दिवाली के पहले एक बार फिर करीब 17.49 अरब से ज्यादा की राशि जारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ और 24 घंटे में वेतन भुगतान का आदेश भी दिया गया, बावजूद इसके यह आदेश भी अब तक सिफर रहा है।
बिहार से नेपाल के बीच करीब 1.5 साल के बाद शुरू हुई बस सेवा। कोरोना जैसी आपदा और लॉकडाउन के बाद करीब 1.5 सालों के बाद बिहार और नेपाल के बीच बस सेवा को शुरू कर दिया गया है, जिससे दोनों तरफ के ही लोगों को राहत मिली है। इसे लेकर दिवाली के दिन से ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासकों ने यात्री सुविधाओं को देखते हुए दोबारा से बस सेवा को हरी झंडी दिखाई, तो वही बस सेवा शुरू होने के साथ ही यात्रियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। फिलहाल निगम की ओर से यह सेवा बोधगया, पटना, काठमांडू तथा पटना जनकपुर के बीच चलेगी। यात्रियों को पटना से काठमांडू जाने के लिए किराए के तौर पर 1,015 रूपए चुकाने होंगे, गया से काठमांडू के लिए 250 रूपए और मुजफ्फरपुर से काठमांडू के लिए 805 रूपए देने होंगे। वही पटना से जनकपुर के लिए 1,250 रूपए का किराया वसूला जाएगा। राज्य के महिला विकास निगम में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें युवा युवतियों को सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर जालसाज रुपयों की ठगी कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला राज्य के महिला विकास निगम में देखने को मिला, जहां पर गया के एक युवक और नवादा की एक युवती गुरुवार को नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी के लिए आ गए, मगर निगम के अधिकारी ने जांच में उस नियुक्ति पत्र को फर्जी पाया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी सचिवालय थाना को दे दी गई। इस बारे में बिहार के परियोजना निदेशक ने कहा कि निगम ने इस प्रकार के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ना तो विज्ञापन प्रकाशित किया है और ना ही निगम में कोई ऐसी बहाली हुई है। कुछ लोग फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिनसे बचना चाहिए। इस मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। आज देर शाम बिहार पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज देर शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इन 2 दिनों में वे कई खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के विमान से वे पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राजभवन में ठहरेंगे, तो वहीं अगले दिन 7 नवंबर को वे मोतिहारी के पिपरा कोठी और नालंदा का दौरा करेंगे। आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मोतिहारी में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कल शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं मोतिहारी में कार्यक्रम के बाद रविवार दोपहर को उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम राजगीर स्थित नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, जहां वे धर्म धम्म विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। धर्म धम्म सम्मेलन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम के अलावे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत देश विदेश के कई विद्वान शामिल होंगे। जहरीली शराब के मामले में सीएम नीतीश आए एक्शन में। बिहार में 5 साल से शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध और जहरीली शराब से हाल ही में 2.5 दर्जन के करीब लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद से एक बार फिर सूबे की नीतीश सरकार निशाने पर लगाई है। इधर शराब को लेकर इतनी बड़ी संख्या में जान जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड पर दिख रहे हैं। बीते दिन इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और एक समीक्षा बैठक आयोजित कर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित के उन पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि शराबबंदी सख्ती से लागू है और इसे कमजोर करने वाले लोगों की पहचान करके उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान सीएम ने मद्य निषेध विभाग और पुलिस मुख्यालय को हर दूसरे दिन बैठक कर इसकी समीक्षा करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि छठ महापर्व के बाद 16 नवम्बर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी। सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो को दी गैर एनडीए सरकारों में तेल की कीमत घटाने की चुनौती। पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत देने के बाद से ही इसे लेकर एक बार फिर से सियासत जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष इस राहत को ऊंट के मुंह में जीरा सा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्षी नेताओं को जवाब दिया जा रहा है। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ी चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि लालू यादव चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 50 रुपए से कम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वे अपने प्रभाव से अपने समर्थन वाले गैर एनडीए शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कराकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि बिहार समेत एनडीए शासित राज्यों में वैट कम करके तेल के दाम घटाए गए, जबकि कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में 1 रुपया भी कम नहीं किया गया। लालू परिवार के एक पोस्टर से मचा बवाल। बिहार विधानसभा उपचुनाव के खत्म होते ही बयानबाजियों का दौर खत्म होने के बाद अब पोस्टरबाजियों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी पटना के मुख्य सड़कों पर आज सुबह सुबह लालू परिवार का एक नया पोस्टर देखने को मिला, जिसने एक बार फिर बयानबाजियों को हवा दे दिया है। कहा जा रहा है कि यह पोस्टर विरोधियों के द्वारा लगाया जा रहा है, पर अब तक साफ नहीं हो सका है। दरअसल इस पोस्टर में लालू यादव और उनके दोनों बेटे और जनता के चित्र हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव को अर्जुन की तरह दिखाते हुए लिखा है कि हमको तो मछली दिख ही नहीं रही है वासुदेव, तो वहीं बगल में कृष्ण के रूप में खड़े उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ। वहीं पोस्टर में लालू यादव भी पीछे खड़े मूक दर्शक के रूप में दिखाए गए हैं, तो लालू यादव के आगे कुछ वोटर्स बैठे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं आप हमारे हैं कौन।
तारापुर से जदयू की जीत के पीछे बीजेपी मंत्री ने भाजपा को बताई वजह। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर सीट से जदयू के नए विधायक राजीव कुमार सिन्हा चुने गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू बरकरार होने की चर्चा चहुओर हो रही है। मगर इस जीत में जदयू की सहयोगी दल भाजपा के नेता व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी इसमें भाजपा का हाथ बता रहे हैं। हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में पूरी तरह बीजेपी के लोगों ने एनडीए को जिताने का काम किया। बीजेपी के ही सहयोग से जेडीयू चुनाव में जीती है, चाहे वह तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह बीजेपी ने मदद की है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए को इसलिए जीत मिला है क्योंकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट था, जबकि महागठबंधन बिखरा हुआ था। टीम इंडिया को कई जाबाज क्रिकेटर देने वाले कोच तारक सिन्हा का हुआ निधन। भारतीय क्रिकेट टीम को एक से बढ़कर एक बड़े स्टार खिलाड़ी देने वाले कोच तारक सिन्हा का आज सुबह निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 71 साल के इस दिग्गज को सुबह 3 बजे आखिरी सांस ली। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। तारक से क्रिकेट के गुण सीखने वाले दर्जनों खिलाड़ियों ने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, जबकि 100 से ज्यादा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। ऋषभ पंत, शिखर धवन को इनके सानिध्य में क्रिकेट के सीखने को मिला। बताते चले कि दिल्ली में सोनेट क्लब नाम से क्रिकेट अकादमी चलाने वाले तारक सिन्हा भारतीय महिला टीम के भी कोच रह चुके हैं और उन्हें 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा भी गया था। सुनील शेट्टी की बेटी संग केएल राहुल के रिलेशनशिप की खबर हुई पक्की। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने बीते दिन अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल ने एक शानदार तस्वीर शेयर कर आथिया शेट्टी को जन्मदिन की बधाई दी। इस तस्वीर के साथ ही आथिया और केएल राहुल ने इस खास मौके पर अपनी रिलेशनशिप को जग जाहिर कर दिया है। इससे पहले तक कपल के अफेयर को लेकर खूब बातें चल रही थी, लेकिन अब दोनों ने अपनी इस रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है। क्रिकेटर केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर को साझा किया है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, हैप्पी बर्थडे माई हार्ट। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से जिन दर्शकों ने दिया था उनके नाम है संत जी, प्रिया रॉय, दिवाकर राज, हेमंत कुमार, अवधेश सिंह, नूनू कुमार, मोहम्मद जहाने, आलम, सुशील कुमार, शंकर मुखिया, अभिषेक कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही चलिए बढ़ते हैं अब आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े घटने के बाद नए रेट क्या चल रहे हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।